Hello everyone, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. Friends, आज के लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स. सेमीकंडक्टर फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ सेमीकंडक्टर. चार ऑप्शंस गिवन हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर है. ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है सिलेनियम, ऑप्शन सी है बिस्मथ और ऑप्शन डी है सिलिका. कॉलम फोर के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, दीज आर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. ये बहुत ही अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं. और इसके अलावा कॉलम सिक्स में हमारे पास एक मटेरियल है सेलेनियम, जिसको हम एस ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 34. और कॉलम सिक्स में ही हमारे पास होता है टेलुरियम, जिसे हम टी ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 52. कॉलम फोर के इन एलिमेंट्स के अलावा सेलेनियम और टेलुरियम में भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज होती हैं. इन्हें भी अब हम सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी में गिवन है सिलिका. इसको आप सिलिकॉन से कंफ्यूज मत कीजिएगा. सिलिकॉन और सिलिका आर डिफरेंट. सिलिका कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को. सिलिका इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2. ये सिलिकॉन नहीं है, दिस इज सिलिका. सो डोंट कंफ्यूज दिस विद सिलिकॉन. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज. यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ यहाँ पर देखिए, आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा है. तो सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप. इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हमारा क्वेश्चन प्योर सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है कि इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेगेटिव. सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटेगा. राइट, सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज होता है और इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इसलिए इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव. और अगर पूछा जाए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, तब आप लिखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज पॉजिटिव. यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घटती है. सो यहाँ पर ऑप्शन सी, नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम इन सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स टू द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग. सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से फ्लो करता है. एंड इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं p से. एंड इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, यानी कि इनका रेशियो जो होगा दैट विल बी 1. तो ऑप्शन सी को आप मार्क करेंगे. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज विच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर्स दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. और एक्सट्रिंसिक फर्दर दो तरह के हैं, पी टाइप और एन टाइप. और क्वेश्चन में पूछा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में
डोपिंग मटेरियल कौन सा होता है, कौन से डोपिंग मटेरियल को हम यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेंटावेलेंट। पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हमें प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं डोपिंग। जब हम किसी इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं तो हमें या तो पी टाइप या फिर एन टाइप मटेरियल मिलता है। एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम कॉलम 5 के एलिमेंट्स को प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन एलिमेंट्स को हम प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम में ऐड करवाते हैं टू मेक एन टाइप मटेरियल। और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पेंटावेलेंट, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट मींस जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें हम यूज करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, जैसे कि इंडियम एंड गैलियम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑप्शन बी depends on voltage, option C depends on current through it and option D none of the above। तो semiconductors में resistivity temperature पे depend करती है, यानी कि option A यहाँ पर correct answer होगा। यहाँ पर देखिए, ये एक pure silicon semiconductor का structure है। जैसा कि हम जानते हैं कि silicon tetravalent होता है, मतलब silicon के valence shell में 4 electrons होते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। और रूम टेम्परेचर पे इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाता है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर करंट फ्लो कर सकता है। और रूम टेम्परेचर पे 10^10 एटम्स में से एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते रहेंगे और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते रहेंगे कंडक्शन के लिए, राइट? तो जो रेजिस्टिविटी है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, रेजिस्टिविटी घटते रहेगी। ये प्रोसेस फॉलो होता है प्योर सेमीकंडक्टर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। रूम टेम्परेचर पे 10^10 एटम्स में से सिर्फ एक एटम का कोवेलेंट बॉन्ड टूट पा रहा है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो पा रहा है कंडक्शन के लिए। तो इस कंडक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम इस प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाते हैं बाय एडिंग ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, राइट? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन, ऑप्शन ए प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, ऑप्शन बी prevents flow of majority carriers, option C prevents total recombination of holes and electrons, and option D prevents neutralization of acceptor and donor ions। यहाँ पर PN junction diode को हम discuss करेंगे। जब हम किसी P-type semiconductor और N-type semiconductor को आपस में join करते हैं, तो यहाँ पर एक junction create होता है, जिसे कहते हैं PN junction, और दिस इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन डायोड, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इस जंक्शन के पास जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं और एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, जो इन मेजॉरिटी कैरियर्स को फर्दर डिफ्यूज होने में प्रिवेंट करता है। कहने का मतलब, इस पोटेंशियल बैरियर के आ जाने की वजह से एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन हैं और पी टाइप में जो होल्स हैं, वो अब आपस में डिफ्यूज नहीं हो पाते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पी एन जंक्शन प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। इनिशियली जो जंक्शन के पास के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, और उसके बाद जो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स है, वो वहीं पर रुक जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स के डिफ्यूज होने के बाद यहाँ एन टाइप रीजन में इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का एक लेयर बन जाता है और पी रीजन में इमोबाइल नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का एक लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रिएट होता है और वो फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। द करंट इन रिवर्स बायस इन पीएन जंक्शन डायोड मे बी बिटवीन ऑप्शन ए 2 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर, ऑप्शन बी फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स और नैनो एम्पेयर्स, ऑप्शन सी फ्यू मिली एम्पेयर्स एंड ऑप्शन डी बिटवीन 0.2 एम्पेयर एंड 2 एम्पेयर। तो अब हम देखते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। दो तरह की बायसिंग होती है, वन इज फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, और रिवर्स बायस में पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पूछा है कि रिवर्स बायस के केस में पीएन जंक्शन डायोड में कितना करंट फ्लो कर सकता है। ये डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का प्लॉट है। दिस इज फॉरवर्ड करंट, यानी कि फॉरवर्ड बायस के केस में दिस इज द करंट, और ये रिवर्स बायस करंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिवर्स बायस करंट आई नॉट, ये बहुत ही स्मॉल करंट है और इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। आई नॉट नैनो एम्पेयर्स में होता है इन केस ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, और माइक्रो एम्पेयर्स में होता है फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो आई नॉट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, इट कैन बी इन नैनो एम्पेयर्स एंड माइक्रो एम्पेयर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रिवर्स बायस के केस में पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स या नैनो एम्पेयर्स हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑप्शन ए देयर आर नो होल्स इन द मटेरियल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल आर मोर देन होल्स एंड ऑप्शन डी देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल। अगेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, एन इज इक्वल टू पी। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर आर ऑप्शन ए नो चार्ज, ऑप्शन बी नो मोबाइल चार्जेस, ऑप्शन सी नो करंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अभी हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। दिस इज पी टाइप मटेरियल एंड दिस इज एन टाइप मटेरियल। इन दोनों को हम ज्वाइन करके बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इस जंक्शन को कहते हैं पीएन जंक्शन। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जंक्शन के पास के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पर एक रीजन क्रिएट करते हैं जहाँ पर सिर्फ इमोबाइल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और इसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। और इसी की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट करता है। तो इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी मोबाइल चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इमोबाइल चार्जेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। एन लेयर वाली साइड पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस होते हैं और पी लेयर वाली साइड में नेगेटिव इमोबाइल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी में देखिए कि देयर आर नो मोबाइल चार्जेस, डिप्लीशन रीजन में कोई भी मोबाइल चार्जेस नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द डोनर एटम्स इन द एन टाइप सेमी कंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर ऑप्शन ए कैरी पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी कैरी नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन सी आर न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। सपोज हम एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, एक प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को लेते हैं और उसमें आर्सेनिक के एक एटम को ऐड करते हैं। आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट एलिमेंट है, इसका मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो उन पांच में से चार इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट कर लेंगे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ये आर्सेनिक डोनेट कर देगा कंडक्शन के लिए, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा, इसलिए इसे डोनर एटम कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रॉन को भी शो करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। तो दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन और दिस इज द पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज, और इसे डोनर आयन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारा मोबाइल चार्ज है, लेकिन ये डोनर आयन दिस इज इमोबाइल, ये मूव नहीं कर सकता है। ओनली द इलेक्ट्रॉन कैन मूव और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जनरेट होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होने की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो जाते हैं, कहने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे डोनर एटम पे कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के 10 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।